अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मीरब शेख कुजींस में आपको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे, हैरियत होंगे। आज मैंने आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ गोलगप्पे की। गोलगप्पे मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाने सिखाए थे, अब मैं इसमें आपको फिलिंग करने सिखाऊंगी कि गोलगप्पों की फिलिंग कैसे बहुत मज़ेदार सी करते हैं। गोलगप्पे हर किसी को पसंद होते हैं और गोलगप्पों का नाम ऐसा है कि सुनकर ही मुँह में पानी आ जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पाव चने लिए थे और एक पाव ही आलू लिए थे और इन दोनों को बॉईल कर लिया था। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें एक पाव चने और एक पाव आलू काट के उबाल के मिक्स कर लिए हैं। इनको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। ये मेरे पास है प्याज, प्याज को मैंने बहुत बारीक सा काट लिया था। ये है धनिया और पुदीना और ये है फुलकियाँ। फुलकियाँ भी मैंने घर पर बनाई थी, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो पे आपको इसकी रेसिपी भी ज़रूर बताऊंगी रमज़ान मुबारक के हवाले से। सारी चीज़ें आप इस पे जो हैं वो ऐड कर दीजिए और फुलकियों को आप हाथ से मसल कर और फिर डालिए। फुलकियों के साथ गोलगप्पों की बाइंडिंग भी हो जाती है ये, और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है गोलगप्पों में। वैसे अगर आप इसके अंदर फुलकियाँ नहीं यूज़ करते तो वो चने और आलू हर चीज़ अलग अलग रहती है, लेकिन इसके साथ सब चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं जब हम इसमें मिक्स करते हैं। ये मैंने इमली का पल्प लिया है एक प्याली, ये डालेंगे हम इसमें। इमली की मैंने गुठलियाँ निकाल दी थी और इसका पल्प जो है मैंने इसमें डाल दिया। ये नमक 1 टीस्पून इसमें जाएगा, ये सुरख मिर्च पाउडर भी इसमें 1 टीस्पून जाएगा, या अपने टेस्ट के हिसाब से। चाट मसाला इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। अब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बेहतर होगा कि आप इसके लिए हाथ का यूज़ करें, क्योंकि हाथ से ये होगा कि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। ये देखिए कितना अच्छा सा मिक्सचर जो है वो मेरा रेडी हो चुका है। अब हम इस मिक्सचर से अपने गोलगप्पों की फिलिंग करेंगे। यकीन मानिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब गोलगप्पे बनते हैं इससे। गोलगप्पे मैंने आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताए थे बनाने के कैसे बनाते हैं, ये वही गोलगप्पे मैंने बना कर रखे थे। अब हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे। आप देखिए कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार से गोलगप्पे हमारे रेडी होने वाले हैं। तो चलिए हम इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। इसकी अच्छी तरह से आप फिलिंग कर लें, गोलगप्पों को भर लें अपने इस मिक्सचर में डाल के। एक एक करके तमाम गोलगप्पों को भर लीजिए। रमज़ान अल मुबारक में भी बहुत अच्छे लगते हैं गोलगप्पे। और ये अब आप इसके अंदर पहले दही की फिलिंग करेंगे। हम तमाम गोलगप्पों में हम पहले दही ऐड कर लेंगे। दही डालने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा चाट मसाला डाल लीजिए, अगर कम चाहिए तो थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे हम इस पर। चाट मसाला डालने के बाद ये मैंने एक प्याली में इमली की चटनी बना कर रखी थी। वैसे इसके ऊपर किश्ती की चटनी भी यूज़ होती है, खुबानी की चटनी भी इसके ऊपर यूज़ होती है, लेकिन मुझे इमली की चटनी पसंद है तो मैंने इमली की चटनी बना कर रखी थी अपने गोलगप्पों पर डालने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये कितने मज़े के दही वाले फिलिंग वाले गोलगप्पे हमारे रेडी हो चुके हैं। मेरे पास थोड़ी सी पापड़ी थी तो वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो सारी ज़िंदगी याद करेंगे कि हमने कैसे गोलगप्पे बनाए थे। बहुत मज़े के और बहुत ही उम्दा गोलगप्पे ये बनते हैं। आप चेक कर सकते हैं कैसे ये बहुत ही डिलीशियस से गोलगप्पे हमारे रेडी हो चुके हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं हम, मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।